भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी से जुड़े किसानों ने आज रादौर से कांग्रेस विधायक बिशनलाल सैनी के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष संजू गुंदियाना के नेतृत्व में किसानों ने मुश्तरका मालकान जमीनों को किसानों के नाम किए जाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन भी विधायक को सौंपा। इस मौके पर किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही जमीनें उनके नाम नहीं की गई तो 25 अगस्त को यूनियन द्वारा विधायकों के निवास पर अनिश्चितकालीन पंचायत की कॉल है, जहां पर आगामी आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। ज्ञापन सौंपने के बाद पत्रकारों से बातचीत में संजू गुंदियाना ने कहा कि 5 अगस्त को चरखी दादरी में किसानों की एक महापंचायत हुई थी, जिसमें प्रदेश के सभी पक्ष व विपक्ष के विधायकों को इस बारे ज्ञापन सौंपने का फैसला लिया गया था, जिसके तहत आज प्रदेश भर के विधायकों को ज्ञापन सौंपकर सरकार से कोर्ट के इस फैसले को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर जमीनें किसानों के नाम ही किए जाने बारे कानून बनाने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि यह जमीनें किसानों की और लंबे समय से किसान इस भूमि पर खेती करता आ रहा है, लेकिन सरकार कोर्ट के जरिए उनकी ज़मीनों को हड़पना चाहती है। उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि इस बारे सरकार द्वारा विशेष सत्र बुलाकर इस ज़मीनें किसानों के नाम किए जाने का कानून बनाया जाए। आज जो देश आमलाद मुस्तर मालकान और अन्य प्रकार की ज़मीनें हैं जो सदियों से किसानों के पास और किसान उन पर खेती करता रहा है, मलकियत किसानों की है, बहुत सी जमीनों की इंतकाल किसानों के नाम है और कई कई बार ये जमीनें बिक भी चुकी हैं और खरीद भी चुके हैं। और तो 7 अप्रैल को एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है किसानों के खिलाफ, किसानों के विरुद्ध में जो सरकार ने करवाया गया फैसला इन जमीनों को हड़पने के लिए, तो हमने आंदोलन किया हुआ है। 5 तारीख को चरखी दादरी के अंदर एक महापंचायत किसानों की हुई थी, उसमें फैसला लिया था कि 16 अगस्त को जितने विधायक हैं पूरे हरियाणा के हर MLA को, चाहे वो पक्ष का या विपक्ष का, उनको ज्ञापन दिया जाएगा और एक मांग की जाएगी कि सरकार एक विशेष सत्र बुलाए, अलग से सत्र बुलाए और एक कानून पारित करे, इन किसानों को मालिकाना हक उन किसानों को दिया जाए जो सदियों से इन जमीन पर काबिज हैं। ये हमारे हिस्से से जमीनें कटी हुई हैं, पंचायत का इनमें कोई भी है तो पंचायत की कहां से आई हमारे को बताए, जिसका प्रस्ताव रखे और ये कानून बने। इस मांग को लेकर आज रादौर के विधायक बिशनलाल जी को ज्ञापन दिया गया है। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में ज्ञापन दिए जाएंगे। अभी यमुनानगर में 4 MLA है, 4 MLAओं के आज हम ज्ञापन देंगे। अगर सरकार फिर भी नहीं जागती तो 25 तारीख की कॉल है कि 25 तारीख से विधायकों के आवास पर एक पंचायत रखेंगे अनिश्चितकालीन, और तब तक वहां पर पंचायत चलेगी जब तक ये कानून नहीं बनता, किसानों की जमीन किसानों को नहीं मिलती। ये 25 तारीख की हमारी अगली कॉल है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुश्तरका मालकान व देश आमलाद जमीनों को पंचायतों व पालिकाओं के नाम किए जाने के फैसले के बाद किसान लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और सरकार पर किसानों की ज़मीन हड़पने का आरोप लगा रहे हैं। किसान इन ज़मीनों को काश्तकारों के नाम ही रखने की मांग कर रहे हैं। खैर, अब देखना होगा कि किसानों की मांग पर सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इस बारे कोई कानून बनाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदेश टाइम।